वेलकम टू एपिक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपिक्स स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के आंतरिक संरचना के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखे थे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था किस प्रकार छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें व विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल विद एपिक्स स्टडी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें या कुड़प्पा शैल जो है पाई जाती हैं। ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो है उद्भव कहाँ से हुआ है ना, तो चलते हैं भारत की तरफ, भारत के भूगोल में। और देखिए, सबसे पहले कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये पाई गई थी आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में ये जो चट्टानें हैं बिल्कुल वहाँ एक पंखा आकृति के रूप में फैली हुई हैं। वहाँ सर्वप्रथम ये चट्टानें पाई गई थी, इसलिए इसका नाम जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण भी जो है पिछले जो चट्टानें थी आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसी की तरह जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण भी अपरदन से हुआ है। फर्क बस इतना है कि इस चट्टान का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में दोस्तों जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है जीवाश्म के लिए कोई वनस्पति उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई, इसमें भी जो है किसी प्रकार का जीवाश्म अप्राप्त है। लेकिन कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। हालांकि इस समय जो है जीवों की उत्पत्ति या वनस्पतियों की उत्पत्ति जो है हो गई थी, जिस क्रम में जो है, जिस काल में जो है इन चट्टानों का निर्माण धरती पे हुआ था, उस समय जो है वनस्पतियों का उद्भव जो है इस धरती पे हो चुका था। लेकिन जो है जीवाश्म वगैरह जो है इस क्रम की चट्टान में अप्राप्त होता है। अब देख लेते हैं कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, उत्तर या आपके आंध्र प्रदेश की इधर थोड़ा से पश्चिम दिशा में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी हिस्सा है इस क्षेत्र में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। छत्तीसगढ़ के ठीक बाजू में हमें मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान में, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, ये जो पूर्वी क्षेत्र है जो कि दिल्ली तक गया है, इस क्षेत्र में भी जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसे हम दिल्ली श्रेणी भी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वापस आते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ चट्टानें जो है कर्नाटका के क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। भारत का जो पूर्वी घाट है, आपका जो भारत जिसे हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ये पूर्वी घाट जो है, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट जो है भारत का, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है। इस प्रकार दोस्तों, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है इस राज्य में मिलती हैं हमको। इसके अलावा जो है कुड़प्पा क्रम की चार श्रेणियां जो है भारत में पाई जाती हैं। एक आपके अनामलाई की श्रेणी पाई जाती है जो कि तमिलनाडु के में पड़ता है आपका। इसके अलावा दोस्तों ये पाई जाती है पापा धनी की श्रेणी पाई जाती है, चेयर की श्रेणी पाई जाती है और कृष्णा की श्रेणी। ठीक है, कृष्णा की श्रेणी जो है कुड़प्पा क्रम के चट्टानों का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है भारत में मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है इनमें किस प्रकार का खनिज जो है पाया जाता है। देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो होती है, इन चट्टानों को जो है भवन निर्माण या कह सकते हैं जो अपना बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं ना, या भवन निर्माण की सामग्री के लिए इन चट्टानों को जाना जाता है या इन शैलों को जाना जाता है। क्योंकि इनमें जो पाया जाता है, जो भी खनिज पाया जाता है, ये सारे खनिजों का उपयोग हम अधिकतर जो है भवन निर्माण सामग्री के रूप में करते हैं। जैसे कि इस चट्टानों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है डोलोमाइट वगैरह भी इस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिए, मैंने बताया आपको इसमें चूना पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कई सारे चूना आपके सीमेंट के उद्योग हैं, और सीमेंट के उद्योग का जो आधार होता है वो चूना पत्थर ही होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं आपके छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट है ना, बिलासपुर के हिर्रिक माइंस में जो है डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। फिर अगर हम मध्य प्रदेश में चलते हैं तो मध्य प्रदेश में जो है आपका कटनी वाला जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में और आपके अमरकंटक में जो है
आप संगमरमर के लिए संगमरमर पाया जाता है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मैंने बताया आपको कड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ भी मकराना वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी संगमरमर का काफी उत्पादन किया जाता है। तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं कि खनिज से जोड़कर हम देखते हैं कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जहां जहां स्थित है वहां वहां जो है उससे संबंधित खनिजों का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका भारत में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का फैलाव। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का फैलाव। देखिए छत्तीसगढ़ में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं छत्तीसगढ़ में 17% भाग पे जो है, नहीं माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 25 से लेकर 30% भाग पे जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में कुड़प्पा या कड़प्पा भी लिखा जाता है लेकिन वास्तव में ये आंध्र प्रदेश के जिला कुड़प्पा से लिया गया है इसलिए इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में दो श्रेणियां हैं इसकी प्रमुख रूप से, एक आपकी रायपुर श्रेणी है और दूसरा जो है चंद्रपुर श्रेणी, जांजगीर चांपा वाली चंद्रपुर श्रेणी जो है ये दूसरी इसकी श्रेणी है। छत्तीसगढ़ में कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानी है या कह सकते हैं इसकी जो शैल है ये पूरा का पूरा जो मैदानी हिस्सा है छत्तीसगढ़ में, इस मैदानी हिस्से में जो है ये चट्टानें पाई जाती हैं या अवस्थित हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं मैप के द्वारा किस तरह छत्तीसगढ़ में जो है ये चट्टानें किस किस क्षेत्र में फैली हुई हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है छत्तीसगढ़ के पूरे मैदानी हिस्से में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो ये आपका बिलासपुर से लेते हैं मुंगेली, बिलासपुर, इसके बाद थोड़ा ऊपर तरफ चलते हैं इधर ये जांजगीर चांपा और ये रायगढ़ वाला क्षेत्र, फिर हम इधर रायपुर तरफ आते हैं, रायपुर में आपका बलौदा बाजार और रायपुर में आपका बालोद वाला क्षेत्र। ठीक है, दुर्ग को ले लेते हैं, माफ कीजिएगा दुर्ग को ले लेते हैं, दुर्ग का क्षेत्र, दुर्ग का बालोद, दुर्ग का जो है आपका बेमित्रा वाला क्षेत्र मिल जाता है। फिर महासमुंद को देख लेते हैं, महासमुंद है इधर नीचे बीजापुर और बस्तर क्षेत्र तक जो है ये जो पूरा मैदानी क्षेत्र है आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में जो है कड़प्पा श्रेणी की चट्टानों का है। इसके अलावा अन्य जो दोस्तों अगर देख सकते हैं तो हम आपका जांजगीर चांपा में इधर शक्ति है, डबरा है, रायगढ़ है, थोड़ा ऊपर सारंगढ़ है, ठीक है, बिलाईगढ़ है, ये सब क्षेत्रों में भी जो है पाया जाता है। देखिए जो नीचे का रायपुर श्रेणी वाला मैंने आपको जो बताया इसी क्रम को जो हम रायपुर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कि आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो ये पूरे मैदानी हिस्से में पाया जाता है, देखिए आपने देखा किस तरह से कितने बड़े क्षेत्र में जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का फैलाव है और इसी चट्टानों के अपरदन से जो है निर्मित होती है आपकी दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी में ही होती है हमारे छत्तीसगढ़ का धान। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से दोमट मिट्टी का निर्माण होता है और दोमट मिट्टी के निर्माण के चलते जबकि जबकि दोमट मिट्टी जो होती है वो धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। इसके कारण जो है छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार जो है सबसे ज्यादा होती है। मैदानी हिस्से में ही मैंने आपको बताया कुड़प्पा क्रम चट्टान जो है मैदानी हिस्से में फैला हुआ है, तो इस मैदानी हिस्से में ही सीमेंट की कई फैक्ट्रियां जो है दुर्ग और रायपुर में अवस्थित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डोलोमाइट का जो हिर्री माइंस है जो कि बिलासपुर में पड़ता है यहाँ पे डोलोमाइट का उत्पादन होता है जो कि भिलाई स्टील प्लांट में जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर और बात करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें हीरे की मात्रा भी पाई जाती है जो कि हमारे गरियाबंद क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो है कड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है अवस्थित हैं। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था किस तरह से आरके क्रम की चट्टानें 50% है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे मात्रा के हिसाब या फैलाव के हिसाब से देखा जाएगा तो कड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है ये पूरी 25 से 30% है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में। विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं और किस तरह से इनका जो है निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये जो है हमारा जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत कहाँ से कहाँ पड़ता है, विंध्याचल पर्वत जो है आपके इधर राजस्थान से लेके पूरा अगर सीधा सीधा भारत के बीचों बीच देखा जाए ऊपरी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में तो पूरा ऊपर ऊपर जो है ये पहुंच जाता है बिहार के सासाराम तक। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत जो है इस विंध्याचल पर्वत के नाम से ही जो है ये विंध्य शैल समूह का नाम रखा गया है या पड़ा है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है इसमें अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो कौन कौन सी आप पहाड़ियां आती हैं तो ऊपर आपका कैमूर आता है, फिर सोनपुर आता है, फिर नीचे आपके जो है आपका मैकल वगैरह है ना, मैकल का श्रेणी जो है ये नीचे तरफ में आता है। ठीक है, और इसी के चलते जो है इधर में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है विंध्याचल या विंध्य श्रेणी की जो है कह सकते हैं
आपका शैल जो है हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं विंध्याचल शैल जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों में या विंध्याचल शैलों में दोस्तों बलुआ पत्थर पाया जाता है, आपका चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें चीनी मिट्टी और चीता मिट्टी भी पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जिस प्रकार से कड़प्पा क्रम की चट्टान पाया जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी जो है ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। इस क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ, नदियों के द्वारा निक्षेप जमा करने से। ठीक है, नदियां जो है घाटी में नदी ऐसे निक्षेप जमा करती थी, इनके निक्षेप जमा करने के चलते हैं ये विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हिस्से में जो है विंध्य क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं पाई जाती, बहुत ही कम प्रतिशत में, कम मात्रा में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार से विंध्याचल पर्वत जो माला जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गई है, और नीचे जो इसकी कुछ श्रेणियां हैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैमूर है, इसके नीचे सोनपुर है, इस पर मिलन है, और मिलन के नीचे जो है मैकल वाला जो क्षेत्र है, जो कि मैकल वाला पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपके छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से से होते अंदर आता है। तो यहाँ पे जो है ये बालोद वाला क्षेत्र, दुर्ग के जो है बालोद वाला क्षेत्र में, थोड़ा रायपुर में, और नीचे जो है जगदलपुर, इस क्षेत्र में छिटपुट छिटपुट रूप में जो है हमको विंध्य शैल या कह सकते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। अब देखिए मैंने इसे बताया कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं इसमें बलुआ पत्थर है आपका। तो छत्तीसगढ़ में विंध्य क्रम की चट्टानों में देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर मिलता है, इसी प्रकार से विंध्य क्रम की चट्टानों से भी चूना पत्थर प्राप्त होता है, इसके चलते इसमें सीमेंट वगैरह का उद्योग यहाँ फल फूल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए बलुआ पत्थर की, तो मनियारी नदी के किनारे से जो बलुआ पत्थर प्राप्त होता है उसी पत्थर को निकाल के यहाँ पे ऐतिहासिक देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी हमको प्रमाण मिलता है कि ठीक है यहाँ विंध्य पर्वत क्रम की शैलें हैं, तो यहाँ पे बलुआ पत्थर भी हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मिलता है वो मिलता है आपका हीरा, बहुत ही बहुमूल्य रत्न पाया जाता है हीरा। तो छत्तीसगढ़ में भी गरियाबंद के क्षेत्र में जो है हीरा की जो है अभी अभी खोज की गई है कि यहाँ पे भी जो हीरा की मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा देखा जाए बलुआ पत्थर से संबंधित, तो राजस्थान के भी क्षेत्र में जो है, राजस्थान के क्षेत्र में यहाँ पे भी कुछ विंध्य, क्योंकि विंध्याचल पर्वत जो है मैंने बताया आपको पश्चिम से पूर्व होते गया है, तो जिस तरह नीचे छटका हुआ है ऊपर से ऊपर भी छटका हुआ है, तो ऊपर की तरफ में जो है जो विंध्याचल पर्वत जो है आपके, तो विंध्य क्रम की शैल चट्टान वहां भी प्राप्त होती हैं। तो यहाँ के जो बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, इसी से जो है दिल्ली का आपका लाल किला और आपका सांची का स्तूप जो है बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें आपके मकराना वगैरह से निकाल के आपके ताजमहल बनाया गया है, यहाँ के संगमरमर का उपयोग करके ताजमहल का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में भी विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और इन्हीं विंध्य क्रम की चट्टानों में बहुत ही प्रसिद्ध हीरे की खान गोलकुंडा जो है स्थित है, यहीं से ही जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों ये विंध्य जो शैल के चट्टाने हैं ये आपकी जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम क्षेत्र में, बालोद है, रायपुर है आपका, इधर जगदलपुर वाले एरिया में, थोड़ा बहुत इधर रायपुर वाले क्षेत्र में, या थोड़ा बहुत कह सकते हैं हल्का फुल्का आपके बिलासपुर वाले क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुड़प्पा क्रम की चट्टाने और विंध्य क्रम की चट्टाने। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।